मेरा आसना कि महाराज जी आप जैसे संतों से हम सब ने सुना है भक्ति में शक्ति होती है और इसका उदाहरण जैसे कि आपके ही वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज हैं जिनकी दोनों किडनी खराब है, तो क्या ये सब सच्चाई है कि ये भक्ति की वजह से ही प्रेमानंद जी का जो इतना दिन से रहना इस पृथ्वी पे उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। ये सवाल हमारे और इसमें अगर कुछ कुछ नीच हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, ये मुझे सुनना है आपके मुखार बस। प्रश्नों में कोई ऊंच नीच थोड़ी होती है। आपने जो पहला प्रश्न किया ना हमारे प्रेमानंद बाबा के बारे में, इस समय आप सब जानते हैं, आप देखते भी होंगे, इस समय उनका जलवा चल रहा है, जलवा। और हमारे देखो हम तो उनको प्रेमानंद बाबा को हम हमारे वृंदावन में रहते हैं वो, इसलिए हम एक तरह से उनको इस वक्त सनातन के भीष्म पिता मां की श्रेणी देते हैं इस समय। और राधा रानी की विशेष कृपा है उन पे, कृपा तो देखो सब पे होती है राधा रानी की, उन पे विशेष क्यों है, कृपा तो हम पे भी है राधा रानी की, आप सब पे भी है, लेकिन उन पर विशेष क्यों है? उन पर विशेष इसलिए है कि उनका एक नियम मुझे बहुत प्रिय लगता है जो राधा रानी की वजह से ही है। क्या वो वृंदावन को छोड़ के नहीं जाते कहीं? वो वृंदावन को छोड़ के उनके पास कितने कितने ऑफर आते हैं, महाराज चलो कुछ आप वहां प्रवचन करना है। पता है हमारे यहाँ कहा जाता है कि हम जैसे वक्ता जो कथा करते हैं, जो वृंदावन को छोड़ के कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, हमारे वृंदावन में ऐसी मान्यता है कि उनको किशोरी जी भेजती है ब्रज से बाहर जाओ। क्यों? बोले ये तुम्हारी सजा है। वृंदावन से बाहर जाना वो हम लोगों के लिए एक तरह से सजा है। अच्छा ये राधा रानी क्यों क्यों हमको सजा देती है, ये कि हमको वृंदावन से बाहर भेजने की सजा देती है। हमसे कोई भूल में, कोई चूक में, कोई अपराध बना, ठीक है, मैं सब वक्ताओं की बात कर रहा हूं, जो जो बाहर जाते हैं कोई अपराध बनता है, राधा रानी कहती है इस अपराध को मिटाने जाओ। क्यों? क्योंकि प्रचार करो कृष्ण नाम का, उससे तुम्हारा एक तो तुम्हारे पाप खत्म हो रहे हैं, एक जो लोगों के पाप है उनको भी खत्म करो और वृंदावन छोड़ के जाओ। लेकिन प्रेमानंद बाबा वृंदावन को नहीं छोड़ते, इसीलिए किशोरी जी की उन पर बहुत बड़ी कृपा है। तुम्हें पता है बिरले ही संत ऐसे होते हैं जो ब्रज को छोड़ के नहीं जाते। आजकल लाइम लाइट में ऐसा ये सोशल मीडिया चल रहा है, किसको नहीं है जाने का, किसका मन नहीं करता, कोई विदेश जाना चाहता है, कोई कहीं जाना चाहता है, कोई, लेकिन सच्चे संत भैया ऐसे ही होते हैं, सच्चे संत ऐसे ही होते हैं। ऐसा कौन है जो उनसे मिलने नहीं आता, ऐसा कौन सेलिब्रिटी है जो नहीं आता? देखो हम सेलिब्रिटियों के पास जाएं, अगर हम किसी सेलिब्रिटी से मिलने जाएं, पता है लोग सेलिब्रिटी किनको कहते हैं, फिल्म के हीरो हो, फिल्म की हीरोइन हो, उनको हम लोग सेलिब्रिटी कहते हैं। लेकिन वो सेलिब्रिटी कैसे है पता है, बड़े खतरनाक वाले। अभी मैंने एक ऐसा दृश्य देखा, कुछ लोग राम मंदिर में आए थे, अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसमें भगत जी राम मंदिर में ऐसे सेलिब्रिटी आए जिन्होंने कुछ समय पहले ही ये बयान दिया था कि हमको तो गाय का बीफ बहुत अच्छा लगता। हाँ नाम नहीं लूंगा मैं, बताओ वो उनको सेलिब्रिटी मानते हैं लोग जो गाय का मांस खाते हैं, गाय के सेलिब्रिटी हैं, थूको ना इन पे। सेलिब्रिटी तो वो होते हैं जो हमारे धर्म की वृद्धि करते हैं, धर्म की वृद्धि, हमारे भारत की वृद्धि करते हैं। इसलिए एक तरह से सनातन के सबसे बड़े सेलिब्रिटी यदि कोई है तो इस वक्त है प्रेमानंद बाबा। मालूम है कई लोग संत की परिभाषा नहीं जानते, कई लोग ऐसे लोगों को संत बताने लग जाते हैं वो संत है ही नहीं। कितने लोगों को तो मैं ऐसा जानता हूं जिनको लोग संत तो कहते हैं लेकिन सिर्फ संत के नाम पे वो कर क्या रहे हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। देखो संत वो है ना तो वो परिवार में फंसता है ना वो माया में फंसता है, ध्यान रखना, जो परिवार में फंसा है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार, वो जीवन में कभी संत हो ही नहीं सकता। प्रेमानंद बाबा की विशेषता यही है, उनमें परिवारवाद भी नहीं है, ना कोई उनके आगे है ना कोई उनके पीछे।
पीछे है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी। एक तरह से प्रेमानंद बाबा योगी भी हैं, और उनकी एक और विशेषता है भगत जी, वो फालतू के फॉलोवर बढ़ाने के चक्कर में फालतू के प्रवचन कभी नहीं देते। बहुत से लोग फॉलोवर बढ़ाने के चक्कर में जाने क्या क्या करते हैं, कैसी कैसी चीजें डालते हैं, लेकिन वो सिर्फ राधा नाम, वृंदावन की महिमा, ब्रजवासियों की महिमा। कोई ब्रजवासी आज उनके पास चला जाए, उठ के साष्टांग चरणों में लेट जाते हैं, ये उनकी विशेषता है। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं ऐसा कि ब्रजवासी साक्षात कृष्ण का ही रूप होता है, ये उनकी विशेषता है। और उन जैसी विशेषता शायद बिरलों में ही मिलती है, इसलिए प्रेमानंद बाबा को हम सब एक बार प्रणाम करते हैं, जिन्होंने आज राधा नाम को, वृंदावन धाम के नाम को, ब्रज के नाम को आज सितारों पे, सितारों से भी ऊंचा कर दिया। पता है कितनी भीड़ तो उनकी वजह से वृंदावन में आ रही है, कितनी भीड़। और ये चमत्कार ही है, जो आप किडनी वाली बात कर रहे हैं ना, ये वास्तव में चमत्कार है। कोई बिना किडनी के इतने दिन तक जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, विश्वास सबसे बड़ी चीज है। मैं आपसे आज यही मांगता हूं, कुछ करना या मत करना, भगवान में विश्वास जरूर करना, भगवान पे कभी शंका ना करना। भगवान पे विश्वास करोगे तो सब कुछ मिलेगा। वो एक मुझे लाइन याद आ गई, शंका का रावण लंका के रावण से भी ज्यादा भयानक है।